बैक टू द कुकबुक चैनल। आज हम बनाए हैं सिंधी स्पेशल ग्वार की सब्जी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी रेसिपी की आगे की नोटिफिकेशंस मिले। चलिए अब आइए रेसिपी कैसे बनाते हैं देखते हैं। सिंधी स्पेशल ग्वार की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम हमने ग्वार लिए, बॉयल कर दी है हमने। 3 टमाटर यूज किए हैं, 1 बाउल है। लहसुन और मिर्ची जीरे की पेस्ट है, इसे हमने कूट दी है। 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर है। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर। चलिए आइए रेसिपी को देखते हैं किस तरह से बनानी है। ग्वार की सब्जी बनाने के लिए हमने 2 बड़े स्पून ऑयल डाल दिया है हीट करने के लिए। ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे। इसे तब तक भुने जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें 1 कप टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा अच्छे से मींस मैश कर देंगे। टमाटर को पूरा मैश करना। गैस की फ्लेम स्लो रखें जब भी आप मैश करें। आप देख सकते हैं टमाटर पूरे मैश हो चुके हैं और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब हम इसमें बॉइल्ड ग्वार डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करके ग्वार को मैश करना है। ग्वार पूरी मैश नहीं करनी है आपको, आप देख सकते हैं। अब हम ढक्कन लगा के कम 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे छोड़ देंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है और सब्जी में तेल इस तरह ही ऊपर आ गया है। अच्छे से मिला लेंगे।
अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, और आपकी भी कोई रेसिपी हो डिमांड में तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।